नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो आई होप आप लोग खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो वंस अगेन वी आर बैक विद मेजर गर्व आर्या छी, और आज वो बात कर रहे हैं मेजर गर्व आर्या एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई इमरान खान इज बींग थ्रोन आउट बाय पाकिस्तान। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि भाई क्यों इमरान खान जो है वो थ्रोन आउट हो रहे हैं बाय पाकिस्तान मेजर गौरव आर्या जी के थ्रू। हम जाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब कि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो करें वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान में सर्कस चल रहा है अभी, अब आप लोग बोलेंगे कौन सा सर्कस, क्योंकि 14 अगस्त 1947 के बाद तो रोज ही सर्कस चलता है वहाँ पे। लेकिन ये इमरान खान को निकालने वाला नो कॉन्फिडेंस का मोशन, और ये जो PDM है, पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसमें कई सारी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ, लेकिन ख़ासतौर से 3, मौलाना फजलुर रहमान उसमें एक है, जमातुल इस्लामी वाले जो हैं वो एक हो गए उसमें एक, बिलावल भुट्टो एक फेस है पीपल्स पार्टी का, शहबाज शरीफ एक तीसरा फेस है नून लीग का, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है PMLN कहते हैं जिसको। तो ये सब लोग मिलके इन्होंने और बोला है कि साहब हम लोग एक काम करेंगे कि अब इमरान खान की छुट्टी करने का वक्त आ गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर हो गया है, स्पीकर साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब उसके ऊपर जो भी वोटिंग होनी है। ख़ासतौर से अब एक और प्रॉब्लम हो गई कि इमरान खान की पार्टी के जो MNAs थे, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में बोलते हैं, ये करीब 2 दर्जन छोड़ के चले गए, सिंध हाउस में बैठे हैं, जो कि PPP रन करता है, पीपल्स पार्टी, यानी कि भुट्टोज वाली पार्टी है जिसका बिलावल भुट्टो भी है जिसमें हेड जो करता है, वो उस सिंध हाउस में अब मज़े से बैठे हुए हैं वहाँ पर, कि जब वोटिंग होगी तब देखा जाएगा। इमरान खान ने बोल दिया कि आ जाओ साहब 27 तारीख को, मेरे प्यारे PTI के कारकुनों पहुँच जाओ इस्लामाबाद, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान, वो पुराना कारतूस है फजल रहमान, उसने बोला कि तुम 10 लाख लाओगे, 20 लाख मैं ले आऊँगा, उसने अपने बंदों को बोल दिया। अच्छा, बेसिकली क्या है कि अभी लेटेस्ट खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अब पाकिस्तान में नोटिस ले लिया का क्या मतलब है, दैट इज़ योर गैस इज़ एज गुड एज माई गैस एंड माई गैस इज़ गुड एज योर गैस। अच्छा खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब ये हो रहा है कि सिविल वॉर वाली जो स्थिति थी पाकिस्तान में अवॉइड करी जाए। दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये ड्रामा, ये सर्कस ना हुआ क्यों, इसके पीछे कई वजूहात हैं, कोई एक कारण नहीं है कि फौज गुस्सा हो गई या ऐसा हो गया, नहीं, इसमें 4-5 कारण हैं, 4-5 वजूहात हैं, और मैं सब के सब आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और ख़ासतौर से मेरे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं ना, आप भी समझिए आपके मुल्क के बारे में, मैं आपको बताता हूँ आपके मुल्क में ड्रामा हो क्या रहा है। अब दोस्तों, समझने वाली बात है, हुआ कैसे ये मामला शुरू और इस नहज पे कैसे पहुंचा कि लोग कह रहे हैं इमरान खान को निकाल दो। इमरान खान जब पावर में आया था, 2018 की बात है, जब इमरान खान को सत्ता मिली थी, तो इमरान खान के पास ये तो आप ये लगा लीजिए कि 20-22 साल से भटक रहा था, ये जिसको कहता है ना रेगिस्तान में भटक रहा था इमरान खान, इसको कोई पानी पूछने वाला नहीं था। जब फौज परेशान हो गई नवाज शरीफ से, तो उन्होंने इमरान खान जैसा भूत खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तानी फौज का किरदार रहा है, जहां पर पाकिस्तानी फौज को लगे कि अब ये सियासतदान है, ये पॉलिटिशियन है, इससे हमारी बन नहीं रही, वो किसी और को खड़ा कर देते हैं। और ऐसे कई लोग पाकिस्तानी फौज खड़ी कर रखी है, जैसे हम कई बार पहले भी बता चुके हैं, नवाज शरीफ जो है वो खुद पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। जुल्फिकार भुट्टो जिसकी फांसी लगवा दी थी फौज ने, वो भी पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। इमरान खान भी पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। इन तीनों में ये प्रॉब्लम है कि जब ये प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो ये लोग ये समझने लगते हैं कि अब हम बाप हैं, हम पाकिस्तानी फौज के बाप हैं, क्योंकि 8-10 लाख लोगों की भीड़ आके जीवे जीवे इमरान खान बोलना शुरू, ये पागल वागल हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनको ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में पापा एक ही है, वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ, उसके बदलते रहते हैं, पापा एक रहता है पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान का बाबा ए कौम, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो, पाकिस्तान का सब कुछ, पाकिस्तान का खुदा उसका आर्मी चीफ है। सबसे पहले यह समझने वाली बात है।
इन्होंने क्या करा, इमरान खान ने वही गलती करी जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने करी, वही गलती करी जो नवाज शरीफ ने करी। ह्यूब्रिस कहते हैं अंग्रेजी में, जब आपका घमंड सर पर चढ़ के बोले, जब आप अपने आप को खुदा समझने लगे। यही इमरान खान ने गलती करी। क्या हुआ कि शुरू में आके इसने दो तीन बयान दे दिए बड़े सॉलिड जब ये बना प्रधानमंत्री, वो मैं बाद में आऊंगा क्योंकि वो अब आए हैं काटने के लिए चार साल के बाद इसको। इमरान खान ने क्या करा कि पहले इसके एंटी फौज के बयान बहुत ज्यादा थे, आप यूट्यूब में जाएंगे पुराने बयान इमरान खान के देख लीजिए, इसने पाकिस्तान की आर्मी को रेपिस्ट, जेनोसाइडल आर्मी, इसने कौन कौन से ऐसे तमगात से उनको नवाजा नहीं है, कौन सी ऐसी गाली अपनी खुद की फौज को नहीं दी, जो मैं आपको क्या समझाऊं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, हां महंगाई बहुत बढ़ गई, हां पाकिस्तान आईएमएफ के चंगुल में फंस गया, हां इमरान खान की वजह से पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की जमीन पे आके गिर गई। कौन से लोग हैं जो फंड करते थे पाकिस्तान को? सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना। सऊदी अरब को उल्टा सीधा बोल के, सऊदी अरब से इनको इन्होंने आउट कर लिया, सऊदी अरब ने इनको लोन भी दिया, ऐसे जलील करके लोन दिया कि इससे बढ़िया पैसे ना देते तो बेहतर था। अमरीका ने हाथ जोड़ लिया इनके सामने। जिस अमेरिका के टुकड़ों पे पाकिस्तान पला, सिएटो सेंटो, आप जाके जरा गूगल करिए, आपको पता लगेगा पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी हुई है, कहां कहां पे इन्होंने पैसे कमाए, ठीक है। इसके अलावा चीन के साथ भी इन्होंने ऐसा काम करा कि चाइना दुखी हो गया। चाइना के खिलाफ बयानबाजी नहीं करी, वो मैं बाद में आऊंगा, इन्होंने चाइना के खिलाफ करा क्या, दो मिनट में आपको बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा, नदीम अंजुम साहब थे फाइव कोर कमांडर कराची के, उनको जनरल कमर जावेद बाजवा ने आईएसपीआर के थ्रू अनाउंस करवाया कि ये डीजी आईएसआई बनेंगे। आपको केस पता है, यू नो, आपको ये भी पता है कि फैज हमीद इनके सगे थे जो पुराने डीजी आईएसआई थे। आपको पता है फैज हमीद गए थे तालिबान के साथ, उन्होंने कंधार में नमाज वमाज पढ़ी थी, फिर काबुल गए, सरीना होटल में चाय वाय पी, दुनिया भर टी वॉज फैंटेस्टिक, आपको सब पता ही है सब स्टोरी ना जो उन्होंने करी थी। खैर, इन्होंने आर्मी चीफ के आशीर्वाद के बावजूद इन्होंने कई हफ्ते डिले कर दिया, और एक कोर कमांडर के लिए इतनी बेइज्जती कि वो बेचारा कराची, फाइव कोर कराची में है, फाइव कोर छोड़ के बैठा है इस्लामाबाद में टू टेक ओवर, एंड इमरान खान इज नॉट साइनिंग द नोटिफिकेशन। जबरदस्ती, दिमाग खराब है इस आदमी का। इस आदमी को यह नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी नहीं है नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में। इस आदमी को इसका एहसास नहीं है कि तुम जो प्रधानमंत्री बने हो ना फौज के आशीर्वाद से, सिर्फ फौज ने तुम्हें लाने के लिए गलत वोटिंग नहीं करवाई, ये जो तुम्हारे जितने भी कोएलिशन गवर्नमेंट रन करता है इमरान खान, जो कोएलिशन के तुम्हारे पार्टनर्स हैं, जूनियर पार्टनर ही समझ लो, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो सब फौज के पिट्ठू हैं। फौज ने इनको बोला कि बेटा जरा खान साहब को वोट दे देना, इनको प्रधानमंत्री बनना, और खटखट वोट डाले, ये प्रधानमंत्री बन गए। उस वक्त इमरान खान को ये नहीं लगा वैभव कि भैया ये पाकिस्तान आर्मी ने मदद करी, इसके आशीर्वाद से पीएम, गुरूर दिमाग में, मैं इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप, वही वर्ल्ड कप, ऐसी टीम बनाऊंगा, ये बकवास अपनी करता रहता फजूलियात, इसने वो कर दिया। क्या हुआ कि इमरान खान ने दो तीन चीजें करी जो चाइनीज को पसंद नहीं, और ये सारा का सारा जो चल रहा है ना अभी, ये चाइना का करा धरा है। अब मैं साबित करूंगा कैसे। इमरान खान ने सबसे पहले बोला कि सीपैक ने हमें लूट लिया, सीपैक ने हमें बर्बाद कर दिया। इमरान खान ने एक और अंडा दिया, फिर वो अंडा क्या था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये बोला गया था कि साहब हमारी जो डील है पाकिस्तान, यानी चीनी और पाकिस्तानियों के बीच में जो डील है, ये दुनिया में किसी को बताएंगे नहीं आप, क्योंकि इसकी जो शराइत थी, इसकी जो कंडीशंस थी, वो इतनी खौफनाक थी कि कोई डर जाता। पर ये चाइना के क्लियर, और चाइना हर जगह यही करता है, श्रीलंका में यही करेगा, नेपाल में यही करेगा, पाकिस्तान, छोटे छोटे मुल्कों में जहां पे चाइना निवेश करता है, चाइना यही करता है, हमारी डील की कंडीशंस भैया तुम किसी को नहीं बताओगे। लेकिन लेकिन इमरान खान ने आईएमएफ के सामने वो भी पोल पत्री खोल दी। इमरान खान ने चाइना का भी धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया, और द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जिसको कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, वो थी जब दासू डैम प्रोजेक्ट में कोई हेडवे नहीं हुआ, वहां पे 9-10 चाइनीज इंजीनियर मारे गए, और पाकिस्तान को, चाइना को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा। जो तीन सबसे बड़े सपोर्टर थे पाकिस्तान के, जैसा मैंने बताया,
अब देखिए अमेरिका को कैसे, मैं आपको बताता हूं, एक कोई फॉरेन चैनल इमरान खान का इंटरव्यू ले रहा है कि साहब सुना है कि अमेरिका ने आपसे ड्रोन हमले के लिए या अपने फाइटर या अपने एयर एसेट्स के लिए बेसिस मांगे हैं, क्या आप उनको बेसिस देंगे? इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं उनसे सवाल है, ये जो आप लोग इतना विक्टिम कार्ड खेलते हो, हाय हम बेचारे, हमारे साथ साजिश हो गई, कोई ये कागज है जो आप साबित कर सकें कि अमेरिका ने इमरान खान से एक्चुअली आपके बेसिस मांगे थे? इस बार की बात कर रहा हूं, बेसिस तो आप उनको 20 साल से 30 साल से दे रखे हैं आपने, पर इस बार अमेरिकन ने बेसिस मांगे थे? मैं कह रहा हूं कोई कागज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, किसी बंदे का फोन तो आया होगा, कोई फैक्स मैसेज आया होगा, कोई ईमेल आई होगी, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, कुछ तो आया होगा, कोई एसएमएस ही आ गया होगा। इमरान खान अपने आप को सियासी शहीद उसने बना दिया फ्री में, मुफ्त में, कि भाई मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया तो वो अमेरिका मेरे पीछे पड़ गया। जरा वीडियो देखिए जरा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow Seriously? Any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. अब देखिए, ये टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा है, ये अमेरिका को नहीं बोल रहा, ये टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा है, और अपने आप को ऐसा इसने बता दिया जैसे अकबर आजम मुगलिया सल्तनत के बेताजबा। अरे पागल आदमी, ये टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम वही बिल्कुल अफीम में, बिल्कुल मुबतला, सबके सब टाइट हो रखे हैं, तो ये इन्होंने एक माहौल बना दिया कि साहब देखो हमारा वजीर आजम बिल्कुल, देखो ये टीपू सुल्तान भी है, ये मोहम्मद बिन कासिम भी है, यही सब कुछ है, ये सलाउद्दीन अयूबी भी है, सब कुछ यही है, इसने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है ना। एर्तुगरुल गाजी भी है, इसने गधे पे बैठ के चाकू भी चला दिया, इसने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिकन्स को, एब्सोल्युट टीवी एंकर को बोला एब्सोल्युटली नॉट, इसने अमेरिकन्स को बोला ही नहीं। अब देखो ना, बाइडन कहता बाइडन फोन नहीं करता, तो भाई तुमसे बेसिस मांगे किसने? किसी, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई एडिशनल सेक्रेटरी होगा, कोई अंडर सेक्रेटरी होगा, कोई ना कोई तो होगा। खान साहब पूरी कौम से बोले कि अमेरिकन्स ने मुझे फोन करके बोला था कि खान साहब आप हमें बेसिस दो, तो हमने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एक और चीज वैभव, आप देखना, ये जितने भी बड़े बड़े टेलीविजन के एंकर हैं, ये पक्का पैसा खा रहे हैं पाकिस्तानी, पक्का पैसा, क्योंकि जिस तरीके से ये इमरान खान को डिफेंड करते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट पे, अरे तुम टीवी एंकर हो, यही तो पूछ लो एक बार के लिए, तुम अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, तुम एक बार ये तो पूछ लो इमरान खान से कि खान साहब आपने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया अमेरिका को, ये तो जवाब था। ये सवाल पूछा किसने था? टीवी एंकर ने पूछा, वो तो हमने दिखा दिया वीडियो पे। ये किसी अमेरिकन सरकारी एहलकार ने या किसी वजीर ने या किसी प्रेसिडेंट ने कुछ आपको फोन करके मांगा? ये कोई आपके उनके बीच में कोई रब्ता हुआ? वो तो इनका मुंह नहीं लगा रहे, इनको ये कह रहा है मैंने इनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। अब ये टीवी एंकर और ये शहबाज गिल जैसे छिछोरे, ये लोग क्या करते हैं? देखो आपने एब्सोल्युटली नॉट बोला अमेरिका को, तो कुछ ना कुछ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मुझे ना इनको देख के हंसी आती है, क्या कॉमेडी शो है यार। इन्होंने चाइना को दुखी कर दिया, और ये चाइना ने, देखो पाकिस्तानी फौज चलती अमेरिका से, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इनके सारों की सारे सारे जितने भी जनरल्स हैं इनकी ट्रेनिंग अमेरिका में है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ये चाइना को जितना भी बोल दें कि हमारा दोस्त है, हमारा इत्तेहादी है, हमारा सगा है, हमारा चाचा है, हमारा ताया है, ये जो बोल दें चाइना को, स्वीटर देन हनी, जो अंग्रेजी बोल दें, किसी एक जनरल का बच्चा बीजिंग में सेटल नहीं है, शंघाई में सेटल नहीं है, गुंजाओ फोशान या फिर कहीं और सेटल नहीं है, चाइना के किसी बड़े या छोटे शहर में, सारे के सारे आपको अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा ही बोलते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यहां पे मिलेंगे। भाई अमेरिका बहुत बुरा है, बहुत गंदा देश है, यूरोप मुनाफिक हैं, कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं,
ओ भाई इतने गंदे तुमने अपने बच्चे वहां पे क्यों भेज रखे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टियां वहां पे क्यों हैं, गाली अमेरिका को देनी है, पैसे भी अपने वहीं पे डालने हैं, बच्चे बीवी सब वहीं पे हैं, बच्चों को सिटीजनशिप भी वहीं की दिलवानी है। सो ये देखो दिस नाउ कमिंग बैक टू द चाइना फैक्टर, चाइना ने पूरी तरीके से वैभव, चाइना ने पूरी तरीके से ये सोच लिया है, मन बना लिया है खान जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा खान चार दिन में चला जाएगा, कभी ना कभी खान जाएगा, आज नहीं तो एक महीने के बाद, नहीं तो दो महीने के बाद, कभी ना कभी खान जाएगा, और जब जाएगा ये वापस नहीं आएगा। चाइना को चाहिए शहबाज शरीफ। मैं आपको बताता हूं चाइना को चाहिए क्या, चाइना को चाहिए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ काम करवा लेता है, वो प्रोजेक्ट्स वाला आदमी है, मैं बता रहा हूं। तो वैभव जब ये इमरान खान का जब दिमागी तवाजुन जो है जब हिलना शुरू हुआ, मेंटल बैलेंसेस का, तभी जब एक कंटेनर पे चला रहा था डी चौक पे, और डीजे भट्ट गाने चलाता था कि आएगा नया बनेगा पाकिस्तान, आएगा इमरान, उसकी पिटाई कर दी डीजे भट्ट की इन लोगों ने, पीटीए वालों ने ना। तो शी जिनपिंग को आना था पाकिस्तान विजिट पे, तो बोला कि जनाब ये आप ये धरना वरना बंद करें चाइना के। तब ये बहुत गालियां देता था सीपैक को कि शहबाज शरीफ के कमीशन का जरिया है सीपैक, सीपैक कुछ नहीं है पाकिस्तानी लोगों के लिए, बहुत खराब है ये है वो है, जो कि मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तानी लोगों के लिए खराब है। पाकिस्तानी कहते हैं तो इंडिया बड़ा जल के खाक हो गया, तुम्हारे मुल्क को खाक कर दिया चाइना ने, तुम्हें पता भी नहीं लगा। खैर दैट्स नॉट माई हेडेक, दैट इज पाकिस्तान हेडेक। तो खैर उस वक्त बड़ा ये खान साहब के पास चाइना का एम्बेसडर भी आया है कि जनाब दो तीन दिन के लिए आप छोड़ दें थोड़ा सा, दो तीन दिन के लिए, और शी जिनपिंग आ रहे हैं हमारे, सदर आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनकी उसके बाद आप फिर शुरू कर देना, तो थोड़ा सा कर्टसी एक्सटेंड ना। खान तो चढ़ा था कंटेनर पे, उतर कैसे जाता, उसको लगा कि अगर मैं कंटेनर से उतर जाऊंगा तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा, मुझे तो रोज़ तकरीर करनी है, मुझे रोज़ तकरीर करनी है, रोज़ लोगों में जान फूंकनी है। शी जिनपिंग आया नहीं, उसने कैंसिल कर दिया अपना मामला, ठीक है। तब से ये चाइनीज की आंखों में ना एक कंकड़ की तरह, कीड़े की तरह, पतंगे की तरह, मैल की तरह फंसा हुआ है। तब से 4 साल हो गए और चाइनीज इससे बहुत परेशान है। और अगेन दो तीन वजह आते हैं, एक तो सीपैक को गाली देना, इस आदमी का मुंह बंद नहीं होता। आपने एक बात नोट करी वैभव, इस आदमी का मुंह बंद, पता नहीं क्या इसको वर्बल डायरिया है, इसको कौन सी बीमारी है कि ही कांट शट अप, ये लगातार बोलता रहता है लगातार। और इसने अपने मुशीर वजीर सब ऐसे पाल रखे हैं, शेख रशीद का मुंह बंद नहीं होता, शहबाज गिल पता नहीं खाना कब खाता है क्योंकि उसका तो मुंह ही ऐसे चलता रहता है, अरे मुंह बंद करेगा तब तो जाके फिर खाना खाएगा मुंह खोल के। तो ये लोग ना एक तो बहुत बोलते हैं, दूसरी चीज गलत बोलते हैं, अकल भी नहीं, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मैं आपको जेन्यूनली बता रहा हूं, मैं कोई गाली गलौच नहीं कर रहा, लेकिन मैं करता भी नहीं, आपने देखा नहीं होगा मुझे कभी गाली देते हुए, मैं इतने सालों से YouTube पे मेरे वीडियोस आ रहे हैं, टेलीविजन पे मैं आता हूँ, आई नेवर रिव्यूज, बट ये लोग ऐसे हैं ना, ये गाली देते हैं लोगों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऐसे हैं कि घर में लोग अपने माँ बाप भाई बहन के साथ, बीवी बच्चों के साथ कोई बैठ के इनकी तकरीर नहीं सुनते, ये किसी को कुछ बोल देते हैं, ये किसी को कुछ बोल देते हैं इनका कोई। एक छोटा सा वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, मुझे भी चंद दिन पहले पता नहीं था। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है, पंजाब में जब किसी खातून का और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। ये शहबाज गिल हैं जिनका आपने वीडियो देखा, ये शहबाज गिल हैं, ये राइट हैंड है इमरान खान के, बिल्कुल राइट हैंड नहीं है। तो जो जितनी भद्दी बात करे, जो जितनी गंदी बात, अब हम तो ऐसी बातें करते नहीं, हम खानदानी लोग हैं यार, हम खानदानी लोग हैं, ठीक है। शहबाज गिल से पूछ लो कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था, इसको नहीं पता होगा, तो जिसका पता ही नहीं आगे पीछे का फिर वो बातें ऐसी करेगा। तो दीज पीपल आर ऑफ जीरो कैरेक्टर। इमरान खान ने ऐसी फौज पाल रखी है पूरी अपने साथ, ये ना अपनी जो है ना छोटी सी एक शहबाज गिल टाइप की आर्मी पाल रखी है, तो दे आर लाइक पीपल आर लाइक। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वैभव, कि ठीक है पाकिस्तानी फौज, हम तनकीद करते हैं पाकिस्तानी फौज की, हम पाकिस्तानी फौज को क्रिटिसाइज करते हैं, और मैं खुद दुश्मन फौज है, लेट्स नॉट मिंस वर्ड्स, लेकिन मैं एक चीज एडमायर करूंगा कि जनरल बाजवा टॉक सेंस, लेट्स ग्रांटेड टू द मैन यार, दुश्मनी अपनी जगह, जिसको कहता है ना पाकिस्तानी हमारा रिवायती हरीफ है, तो ये भी हमारा रिवायती हरीफ है पाकिस्तान, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन जनरल बाजवा
बड़ा सेंसिबल बंदा है जो 2020 में इस्लामाबाद डायलॉग्स में जो मैंने पूरी जनरल बाजवा का वो उसका ट्रांसक्रिप्ट किसी ने भेजा था या कुछ पता नहीं वीडियो था या ट्रांसक्रिप्ट था जो मुझे नहीं पता क्या था मैं भूल भी गया, दो साल पहले की बात है, बट जो जनरल बाजवा ने बात करी थी जियो इकोनॉमिक्स की राइट, इट वॉज द मोस्ट स्टेट्समैन लाइक एड्रेस। ये वीडियो है जिसमें मेजर गौरव आर्या ने काफी फैक्ट्स जो है वो करंट फैक्ट्स के ऊपर बात की है और ये फैक्ट्स नो डाउट इन फैक्ट्स में हमें काफी चीजें जो है वो हिस्ट्री को अगर हम सामने रखते हुए देखें तो काफी फैक्ट्स इन पर उतरते हैं प्रॉपर। अब यहाँ पे बात हुई कि भाई सारे जो यहाँ के इनके बच्चे हैं जो अमीरजादे हैं अमीर हैं वो सारे उनके बच्चे अगर हम देखें तो वो सारे आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं अमेरिका, मतलब अच्छे जी कंट्रीज में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी फैमिलीज को यहाँ पर रखना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये गरीब कंट्री है और यहाँ पर रखना फजूल है और उनकी एजुकेशन उनका फ्यूचर उनका कैरियर उस मुताबिक नहीं है हो सकता जैसे कि हम लोग चाहते हैं और मतलब कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। इनका जो टोटली मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। मैं इसमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही लेकिन जो रियलिटी बेस्ड बातें हैं जो इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सही और क्या गलत है, जो कि मेरे ओपिनियन के थ्रू मुझे जहाँ तक लगता है तो इनके सारे जो इन्होंने घर बिजनेस हर चीज़ वहाँ पर सेटल कर रखी है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ को वैल्यू देते हैं वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात इमरान खान की हो गई कि इमरान खान के साथ जो है अब इमरान खान को हटाने की कोशिश की जा रही है नो कॉन्फिडेंस वोट और वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ उठकर सारी टीमें आ चुकी हैं पार्टीज आ चुकी हैं और आर्मी ने अपना जो है ना फौज ने अपना हाथ हटा दिया उनके सर से, मतलब ये बहुत ही अंदर की कहानियाँ हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये सारी पार्टियां पहले इमरान खान मतलब 20 साल तक कंटिन्यूसली वो इलेक्शन में आते रहे कोशिश की हर चीज़ हुई लेकिन हारते रहे, ये जो जीते हैं उससे पहले भी वो जीतने की कोशिश में थे लेकिन ये कि वो कंटेनर से नीचे गिरे और उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई वोट जो है उसमें धांधली हुई है ये वो तो उसकी वजह से वो रह गए थे लेकिन इस बार जो फाइनली वो जीते हैं लेकिन आवाम की उस मुताबिक नहीं रह पाए जिस तरह से उनको रहना चाहिए था तो इससे क्या हुआ कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका माइंड चेंज हुआ और उनको उनकी उम्मीदें जो हैं वो पानी में बह गई जिसकी वजह से उन्होंने यही इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर हम देखें तो इमरान खान को यार अगर हम इमरान खान को दोनों एंगल से देखें यहाँ पे सपोर्ट की बात नहीं है लेकिन अगर हम देखें तो अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान एक क्रिकेटर हुआ करते थे वो एक पार्टी में है, चाहे उनको फौज लेकर आई है चाहे फौज जो है वो शुरू से ही बहुत सारे लोगों को लेकर आती रही है जैसे भुट्टो को लाई है उसके अलावा नवाज शरीफ को लेकर आई है अब जो है अब ये मतलब हर चीज़ में करदार रहा है वो एक अलग बात है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इमरान खान इतना खासकर पॉलिटिकल लाइन में नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था इन नहीं है जिस तरह से नवाज शरीफ बहुत शातिर है और भुट्टो बहुत शातिर है, भुट्टो तो खैर रहा ही नहीं अब जरदारी है जरदारी भुट्टो का नाम यूज़ कर रहा है लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत शातिर है अगर इनके हैंड ओवर ये सारा कुछ आ जाता है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारी कंट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बाकी रही बात पाकिस्तान की एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने कहा तो हाँ एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोलना चाहिए था लेकिन तरीके से उनको डील कर सकते थे जिसकी वजह से जो है वो आज हमें इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है चाहे वो IMF हो क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है उनके हाथों में हर चीज़ है तो हमें आंसर हमेशा ऐसा करना चाहिए जिससे किसी को हर्ट भी ना हो बुरा भी ना लगे और हमारा भी काम हो जाए लेकिन ये नहीं है कि हम हवाओं में उड़ना शुरू हो जाए। अगर हम इस तरह से अपने आइडियाज़ को देना स्टार्ट हो जाएंगे हम डायरेक्टली किसी के मुंह पर ना कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने उनके मुंह पर जूता मार दिया या थप्पड़ मार दिया तो इससे जो है वो उसकी अना जो है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में बताएं।